आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आईपीपी बैंक का अगर आपका अकाउंट है, सेविंग हो या कोई करंट अकाउंट या कोई सा भी अकाउंट हो, अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव हो गया है तो उसको एक्टिव कैसे कर सकते हैं, सारी जानकारी देंगे। हमारे चैनल को पहली बार विजिट करना चाहो कर दी सब्सक्राइब, वीडियो कर दी लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दी। यूट्यूब पर पहली बार कोई आपको बताने वाला है कि आप घर से ही मोबाइल से ही अपने अकाउंट को कैसे कैसे एक्टिव कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल से दो स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपका जो भी अकाउंट है उसको लॉगिन कर लेना है आईपीपी के ऐप में। ऐप में लॉगिन करने के बाद आपका आपको चेक करना है आपका अकाउंट एक्टिव है कि इनएक्टिव। चेक कैसे करना है, अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो पैसे ट्रांसफ़र करके चेक करना है। अगर वहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र नहीं होंगे, अगर अकाउंट इनएक्टिव है, तो इसको एक्टिव करने के लिए आपको अपने अकाउंट में कुछ मनी ट्रांसफ़र करनी होगी, यानी आपको अपने अकाउंट में कुछ पैसे जमा करवाने होंगे। पैसों का अमाउंट कुछ भी हो सकता है, मतलब अमाउंट कुछ भी हो सकता है, 100, 250, जितने भी आप करना चाहें उतने आप जमा कर देंगे। उसके 24 घंटे के बाद आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। ये सिंपल सा स्टेप है। काफ़ी सारे लोग बताते हैं आप बैंक जाके ये करवाइए वो करवाइए, ये सिर्फ सिंपल सा स्टेप है जिससे आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। अगर आपने काफ़ी समय से यूज़ नहीं किया करते हैं तो अकाउंट को इनएक्टिव कर दिया जाता है। ये इसका एक सिंपल सा तरीका है। इसी बात पे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे उनको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।